मध्य वेनेजुएला के एक शहर में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। अधिक बारिश के कारण हुए भूस्खलन में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई। सेंटोस मिशेलेना के लॉस तेजेरियास में पहाड़ी इलाकों से बहकर आए मलबे के कारण मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक अन्य लोग अब भी लापता हैं। आपको बता दें कि वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने बताया कि रविवार तक 22 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई थी। लॉस तेजेरियास के मध्य क्षेत्र में भीषण भूस्खलन हुआ है। इस इलाके की 5 नदियों में बाढ़ आई हुई है। अब तक 22 लोगों के शव मिल चुके हैं और 50 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही भूस्खलन के कारण जिन लोगों के मकान तबाह हुए उनके लिए आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। वेनेजुएला में पिछले एक सप्ताह से जारी बारिश के कारण 23 राज्यों में से 11 राज्यों में बाढ़ आई है। वहीं प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों समेत 20,000 अधिकारियों को तैनात किया गया है।